भारतीय सेना मुंबई अध्यक्ष सियाराम जी मिश्रा हे अखिल भारतीय सेना जी आहेत, मुंबईचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या सह त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह ते या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करत आहेत. बावनकुळे साहेब, विजय भाऊ साहेब आणि उपस्थित सर्व माझे बंधू भगिनी मित्र वर्ग पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, तसेच इथे जे उपस्थित पत्रकार बांधव आहेत, माझ्या भगिनी आहेत, त्यांचं सर्वांचं मी हात जोडून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की तुम्ही जे इथे येऊन आमची ताकद वाढवली आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेने तुम्ही उभे राहिले आणि भविष्यात देखील अशाच पद्धतीने तुम्ही लोक भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी उभे राहतील आणि भारतीय जनता पक्षावर तुमचं प्रेम अशाच पद्धतीने होऊ दे, हीच माझी माऊलीची जाणीव पात्र आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. सबको जय श्री राम. जय सब मूल आनंद बोल रहा हूँ. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, एक समाज सेवा के जैसे सोशल वर्कर का काम करने के लिए बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ. हमारा विजन यही है कि ऑलरेडी गरीबों को साथ देना, सबका विकास, सबका साथ देना ही मेरा विजन है. एक उद्देश्य है समाज सेवा करना. हम तो यही बात ही संदेश दे देंगे, जैसे हम से पहले हमारे साथ जुड़े थे वैसे आज भी हमारे साथ में आकर जुड़े. अभी डैडी जी का आशीर्वाद तो है हमारे साथ. ऑलरेडी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भी नहीं, वो हिसाब से बराबर काम हो नहीं पा रहा है, ताकि कोई वजह नहीं है. आपके एक हिंदुत्व के हिसाब से आज बीजेपी की जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं हिंदुत्व के हिसाब से इसमें ज्वाइन. मैं प्रेरणा तो देखने जाओ संजय भाई और रमेश पांडे जी का मिला है, प्लस भाई साहब बड़े द्विवेदी जी का मिला है, इन्हीं की प्रेरणा से आज हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. इससे पहले काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आज भी उसी हिसाब से काम होगा. जो युवाओं को पहले भी साथ दिए थे उसके युवाओं को आज भी साथ दे देंगे. नीति तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे थे पहले वैसे आज भी वही है. जो पहले का विचार वही आज भी विचार है, समाज सेवा का विचार है और समाज सेवा करेंगे. सियाराम जी को तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भूले भटके थे और एक स्थिर जगह पे थे, आज वो विस्तार समुद्र की खाई में आकर के वो शामिल हो रहे हैं. और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश और राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है और सभी समाज के लोगों के लिए काम कर रही है. एक ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति की विशेष की कंपनी की तरीके हो. भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है. और मैं चाहूँगा कि आगे ये उन्नति करे, पार्टी का अच्छे से कार्य करे और देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करे. महाराष्ट्र के अध्यक्ष तय करेंगे कि उनको किस जवाबदारी पे सुशोभित करना. पुराने दोस्त सियाराम मिश्रा जी जो अखिल भारतीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुंबई अध्यक्ष, और द्विवेदी जी राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के जो हिंदू संगठन के लिए बहुत मतलब बहुत टाइम निकाल के एकजुट करने के लिए करते और आज उनका साथ में प्रवेश हो रहा है. विजय भाऊ चौधरी के मार्गदर्शन में जो प्रदेश महामंत्री जी है और बावनकुटे सर के उनके हस्ते उनका प्रवेश करा रहे, तो बहुत खुशी की बात है.